हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम जीव विज्ञान प्रथम अध्याय पोषण पाठर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखु। आउ एमिति प्रत्येक सब्जेक्टर वीडियो पाया चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियो। तेबे चलंतु आज आम जीव विज्ञान प्रथम अध्याय पोषण पाठर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। प्रथम जीवा आम एक नंबर को एक नंबर आमको क्वेश्चन देजिए आलोक श्लेषण कौन सबुज उद्भिद प्रक्रिया किपर होता वर्णना कर है आलोक श्लेषण कौन सबुज उद्भिद प्रक्रिया किपर होता वर्णना कर। तो प्रथम देखा आलोक श्लेषण कौन। देख पत्र हरित्रे पत्र हरित समस्त उद्भिद और नील हरित शैवाल सूर्यालोक को उपयोग करी अंगारकाम्ल और जल मध्य संजोग घटे श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करती प्रक्रिया को आलोक श्लेषण कहते तुम्हें एमती लिखिपर आहरी लिखिपर सबुज उद्भिद सूर्यालोक उपस्थित अंगारकाम्ल आ जल मध्य संजोग घटे श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करथाए यही प्रक्रिया को आलोक श्लेषण कहुए एमती तुम्हें लिखिपर। ठीक अच्छे जदि क्या यही डेफिनेशन टी भल लगे या लिख ना मुझे कहले लिखिपर बुझा पड़ा आलोक श्लेषण कौन। ताप देख रॉबर्ट हिल परीक्षा कर देखले जे आलोक श्लेषण में गोटे शर्करा अणु प्रस्तुत करने छटी अंगारकाम्ल अणु बारोटी जल अणु मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी थाए फल शर्करा अणु सहित छटी जल अणु आउ छटी अम्लजान अणु प्रस्तुत हुए। यह कि नुहे ये जो रासायनिक प्रक्रिया लिखा जाक ओडिया या वर्णन कर शब्द समीकरण या वर्णन कर। ठीक अच्छे तो कौन लिखाई ना छटी आमर अंगारकाम्ल अणु मान छटी कार्बन डाइऑक्साइड अणु बारोटी जल अणु मान कौन बारोटी H2O हुज गिव्स रासायनिक प्रतिक्रिया घटला पर कौन देला ना गोटे कौन शर्करा अणु C6H12O6 ये कौन श्वेतसार जातीय खाद्य श्वेतसार छटी जल अणु H2O आउ छटी ऑक्सीजन अणु बा अम्लजान अणु से देला। ठीक अच्छे आमर आलोक श्लेषण प्रक्रिय श्वेतसार निर्गत होगा सह जल आउ अम्लजान मध्य को निर्गत होता है। 1905 मसीह ब्लैकमैन आलोक श्लेषण प्रक्रिया को दुईट प्रक्रिया विभक्त करते जथा आलोक प्रक्रिया आउ अंधकार प्रक्रिया है। 1905 मसीह ब्लैकमैन आलोक श्लेषण प्रक्रिया को दुईट प्रक्रिय विभक्त करते गोटे हूँ आलोक प्रक्रिया आ गोटे अंधकार प्रक्रिया है। उभय जाक प्रक्रिया कौट होता है ना क्लोरोप्लास्ट्रे होता है। ठीक अच्छे ये दुईट जाक प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट्रे संपादित होते आलोक प्रक्रिया थायरॉइड झिल्ली रे आउ अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट्रे स्ट्रोमा रे संपादित होते है। आलोक प्रक्रिया थायरॉइड झिल्ली रे आउ अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट्रे स्ट्रोमा रे संपादित होते है। आलोक प्रक्रिया पे क्लोरोफिल जल आउ आलोक आवश्यक यही प्रक्रिय सृष्ट ADP और ATP NADPH मिसी आलोक श्लेषण शक्ति गठन करती जल अणु विघटन द्वारा इलेक्ट्रॉन मिलता है और अम्लजान निर्गत हुए है। तेरे आलोक प्रक्रिया कौन कौन दरकार ना क्लोरोफिल जल आउ आलोक दरकार आउे कौन कौन बाहर थाए ना ADP बाहर थाए ATP आउ NADPH ए समस्त मिसी कौन जे यही आलोक श्लेषण शक्ति गठन कर। ठीक अच्छे अंधकार प्रक्रिया को एंजाइम प्रक्रिया कहुए अंधकार प्रक्रिया कौन कहुए एंजाइम प्रक्रिया कहुए आउ या कौन जे मेलविन केल्विन यही प्रक्रिया को आविष्कार करथिबारू प्रक्रिया को कौन कहुए केल्विन चक्र मध्य कहुए है। जेहेतु मेलविन केल्विन नामक जड़े वैज्ञानिक यही प्रक्रिया को आविष्कार करते कौन कहुए केल्विन चक्र मध्य कौन या कहुए आलोक शक्ति शोषण ठार आरंभ कर शर्करा प्रस्तुति पर्यंत चारोटी सोपान में रासायनिक प्रतिक्रिया होते कतोटी सोपान में चारोटी कौन कौन प्रथम सोपान देख हरित लवक क्लोरोफिल द्वारा आलोक शोषण और तत्जनित इलेक्ट्रॉन उत्क्षेपण होते प्रथम हरित लवक क्लोरोफिल द्वारा कौन जे आलोक शोषण होता है आउ इलेक्ट्रॉन उत्क्षेपण होते इलेक्ट्रॉन प्रभाव द्वारा आलोक शक्ति रासायनिक शक्ति में परिवर्तन होते इलेक्ट्रॉन उत्क्षेपण होगापर से प्रवाहित है प्रवाहित होगा द्वारा कौन जे आलोक शक्ति कौन होता है रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन होता है। ठीक अच्छे जल अणुर विघटन
उद्जान आयन और अम्लजान सृष्टि हुए। जल अणुर विघटन कौन सृष्टि हुए उद्जान आउ अम्लजान सृष्टि हुए है एच टू कौन डिवाइड हो जाए एच टू आउ ओ टू रे डिवाइड हो जाए। ठीक अच्छे रासायनिक शक्ति व्यवहृत हुई अंगारकाम्ल अणुर शर्करा परिणत हुए। रासायनिक शक्ति व्यवहृत हुई अंगारकाम्ल अणुर शर्करा परिणत होता है। ठीक अच्छे तो ये गल तुम एक नंबर तापर जी दुई नंबर को दुई नंबर क्वेश्चन आम कौन दे खाद्यर प्रकार भेद उदाहरण सह लेख खाद्यर प्रकार भेद उदाहरण सह लेख तेबे जो रासायनिक गठन कार्य आ शक्ति आदि को आधार करके आमर खाद्य कौन कर छ भागरे विभक्त कर कौन कौन श्वेत सार पुष्टि सार स्नेह सार है जीव सार आ विटामिन जल एति कौन जे आमर छटी भागरे विभक्त हो। प्रथम आम श्वेत सार जीवा श्वेत सार जहाँ कौन कह जाए कार्बोहाइड्रेट कह जाए ना जाक मन रखे जी प्लस टू साइंस नब ताक यहाँ काम दब है कार्बोहाइड्रेट। तो देख शर्करा और मंडद खाद्यर प्रधान श्वेत सार यह भात रुटी आलु आदि प्रचुर परिमाण में थाए हेला। तो श्वेत सार कौन ना शर्करा और मंडद शर्करा और मंड थिबा खाद्य कौन जे श्वेत सार रही थाए जमीक भात रुटी आलु इत्यादि कौन अधिक परिमाण में श्वेत सार मिलता है। चीनी गुड़ आदि कौन जे सुक्रोज आउ पनीपरिया कौन जे पनीपरिया फल रस ग्लुकोज थाए हेला। शर्करा कौन थाए भात रुटी आलु चीनी गुड़ कौन थाए सुक्रोज पनीपरिया फल रस कौन थाए ग्लुकोज थाए। श्वेत सारू आम सहजरे शक्ति आहरण करपर एक ग्राम श्वेत सारू प्राय 16 किलोजूल शक्ति मिले। तुमको सर्ट क्वेश्चन पढ़व एक ग्राम श्वेत सारू प्राय केते किलोजूल शक्ति मिलता है केते किलोजूल 16 किलोजूल शक्ति आमको मिलता है। ग्लुकोज्र जारण फल अंगारकाम्ल जल आउ शक्ति सृष्टि हुए। ग्लुकोज्र जारण घटे कौन हुए अंगारकाम्ल जल आउ कौन शक्ति निर्गत होता है। एवं जीवा पुष्टि सार को प्रोटीन एमिनो अम्लर श्रृंखला द्वारा पुष्टिसार गठित शरीर वृद्धि एवं नूतन कोष और तंतु पर पुष्टिसार आवश्यक। पुष्टिसार मुख्यतः माछ मांस अंडार लाल छेना क्षीर आदि थाए डाली जातीय शस्य सोयाबीन एथिरे मध्ये कौन आमको अधिक पुष्टिसार मिलिथाय। ओके तापर देखिबा स्नेह सार या पर गोटे छोटे इनफर्मेसन देवा चाहिए आमर ओडिया स्टडी प्लस आप्लिकेसन सबुजाक सब्जेक्टर क्वेश्चन आंसर पीडीएफ जाक अच्छी जहाक जहाँ दरकार जाए ओडिया स्टडी प्लस रु डाउनलोड कर। प्रथम प्ले स्टोर को जी से सर्च करेंगे ओडिया स्टडी प्लस सर्च कलापर यह आप्लिकेसन टे आसो ता उपरे क्लिक करके डाउनलोड करे डाउनलोड करके ओपेन कलापर यह देखा जीवो। ठीक अच्छे तो ये देखूँ टेन्थ क्लास नाइन्थ क्लास एवं एइथ क्लास सबुजाक सब्जेक्टर क्वेश्चन आंसर पीडीएफ अच्छे जार प्राइस रखा जा 200 टाँह एवं 150 टाँह। ठीक अच्छे यहाँ क्लिक करके पेमेंट करे पेमेंट कर सारापर यह आपण ओपेन हो देखु सबुजाक सब्जेक्टर क्वेश्चन आंसर पीडीएफ अच्छी आपण मैंने सहजरे यहाँ व्यवहार करें तो जहाक दरकार डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिखाई क्लिक करके डाउनलोड कर दिखे। एवं स्नेह सार को टे टाइपिंग मिस्टेक है स्नेह सार है तो स्नेह सार कौ कौ खाद्य थाए मांस क्षीर छेना लहुणी अंडार केशर तेल घी आदि कौन स्नेह सार थाए कोष झिली या लिपिड भूमिका रही है। शरीर में स्नेह सार चर्बी आकार संचय हो कि रहे आवश्यक बेले कोशीय शोषण द्वारा स्नेहसार जारित हो शक्ति मिले। चर्म तले चर्बी आस्तरण थाए चर्बी ताप अपरिवाह हेतु यह शरीर को उष्म रखे है स्नेह सार कौन जे चर्बी आकार शरीर में स्टोर रही थाए बुझा पड़ा जिते बड़े दरकार पड़े कोशीय श्वसन द्वारा कौन जे से स्नेह सार जारित से कौन आम जो चर्बी स्नेह सार जारित हो कि से शक्ति मिले।
हैला आउ चर्बी कौन थाए ना आम चर्म तले चर्बी चर्बी गोटे आस्तरण थाए हैला आउ चर्बी गोटे कौन जे ताप अपरिवाही से यह आम कौन जे उषुम रखी थे आम शरीर को सी उषुम रखी थे बुझा पड़ा समस्त को एवं जीवा धातुसार को धातुसार जहाँ को आम मिनेराल कहे तो शरीर गठन पर कैल्शियम फॉस्फोरस आयोडीन लौह सोडियम पोटासीयम आदि कौन लवण आमको आवश्यक होते हैं हाड़ और दातर गठन पर कैल्शियम फॉस्फोरस लवण आदि आवश्यक हिमोग्लोबिन लौह आवश्यक है तो यह सब कौन आम धातुसार जाक आम शरीर पर निति आवश्यक एवं जीवा भिटामिन को भिटामिन्स कोष में विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम द्वारा होता है यह भिटामिन उपस्थित हुए हैला आउ कौन भिटामिन अभाव अनेक प्रकार रोग होता है जमीक आम अंधारकणा बेरी बेरी स्कर्बी हैला यह सब कौन जे आम भिटामिन अभाव हाड़पुटी ठीक अच्छे जल द्रवणीय भिटामिन बी ओ सी शाग पनीपरिया और फल मिलता है स्नेहसार द्रवणीय भिटामिन जमीक ए डी ई के इत्यादि कौन जे प्राणी चर्बी आउ उद्भिदजात तेल रू मिलता है विटामिन ए डी ई आउ के ठीक अच्छे एवं जीवा लास्ट जल खाद्य पाचन जल साय कैला जल आमको कौदे साय कै आम खाद्य पाचन प्रक्रिया साय करते ठीक अच्छे कोषे कोषरस प्राय 70-90% जल थाए झाल परिश्रा आउ निश्वास आदि में शरीर जल क्षय हुए आम प्रतिदिन 3-4 लिटर पानी पीवा आवश्यक पानी पीवा आवश्यक शरीर जलियांश कमीगले आमको असुस्थता लगे हैला आमको प्रतिदिन 3-4 लिटर पानी पीवा आवश्यक हैला आम कोषरस कौन जे 70-90% जल रही है 70-90% ठीक अच्छे तापर जीवा आम 3 नंबर को 3 नंबर क्वेश्चन दे परभोजी पोषण कौन परभोजी पोषण प्रकार भेद उदाहरण सह बुझाओ परभोजी पोषण कौन ना जो जीव मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत न कर निर्भर करते प्राणी उद्भिद निर्भर करता कौन कहुए परभोजी पोषण है बुझा पड़ा जो जीव मैंने निजे खाद्य निजे प्रस्तुत न करपरिया हेतु पोषण पर अन्य प्राणी उद्भिद निर्भर करती से मान कौन कहुए परभोजी वही पोषण कौन कहुए परभोजी पोषण ठीक अच्छे परभोजी मुख्यतः 4 प्रकार कौन कौन प्राणी सम पोषण है मृतपजीव्य पोषण परजीव्य पोषण आहजीव्य पोषण ठीक अच्छे एवं आम सब जगह गोटे गोटे कर डिस्कसन करवा प्रथम जीवा प्राणी सम पोषण को परजीवी मानक छाड़ी समस्त प्राणी अन्य उद्भिद प्राणी को पूर्ण व आंशिक भाव खाद्य रूप ग्रहण करते कौन कहुए प्राणी सम पोषण यही प्रकार पोषण अनुसार 3 प्रकार प्राणी देखा जाती यथा तृणभोजी मांसाशी सर्वहारी है परजीवी मानक छाड़ी अन्य समस्त प्राणी अन्य उद्भिद प्राणी कौन पूर्ण व आंशिक भाव खाद्य रूप ग्रहण करते कौन कहुए प्राणी सम पोषण है तेबे यही पोषण कौन जे 3 प्रकार पाणी देखा जाती कौन कौन तृणभोजी मांसाशी आउ सर्वहारी तापर जीवा मृतपजीव्य पोषण जो परभोजी मृत गलित पचासण उद्भिद प्राणी ठारू खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करते कौन कहुए मृतपजीवी से प्रकार पोषण कौन कहुए मृतपजीव्य पोषण बोली कहुए हैला एग्जांपल कबक ईस्ट बैक्टीरिया हैला कबक ईस्ट आउ बैक्टीरिया पाखर कौन जे यही प्रकार पोषण देखा जाए कौटा मृतपजीव्य पोषण तापर जीवा परजीव्य पोषण हैला एटा टाइप मिस्टेक है परजीव्य पोषण जो जीव मैंने जीवंत उद्भिद प्राणी शरीर भितर बाहर रही खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करते से परजीवी कहुए हैला जो जीव मैंने जीवंत उद्भिद बा प्राणी शरीर भितर रही शरीर भितर कि बाहर रही निजर खाद्य संग्रह करी पुष्टि साधन करती से कौन कहुए परजीवी आ पोषण कौन कहुए परजीव्य पोषण ठीक अच्छे परजीवी मान भोजदाता
उद्भिद बा प्राणी ठारु सीधा सळख खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करती। उदाहरण निर्मूली मोलांक राप्लेसिया हैला एसब कोन गोटे गोटे परजीवी हैला आमर भितरित परजीवी सेमिति उकुणी जोको आउ केतक कुर्मी कोन जे माने गोटे कोन प्राणी परजीवी एति कोन उद्भिद परजीवी आउ इति कि प्राणी परजीवी। तापर देखिबा सहजीवी सहजीवी पोषण सहजीव्य माने कौन ना परस्पर मिलमिशी रहा ठीक अच्छे बेले बेले दुईट भिन्न जातिर प्राणी बा उद्भिद हो प्राणी बा प्राणी हो अणुजीव एवं उद्भिद हो अणुजीव एकाठी बास कर देखाए है बेले बेले दुईट भिन्न जातिर प्राणी बा उद्भिद है प्राणी प्राणी आउ अणुजीव उद्भिद एवं अणुजीव एकाठी बास कर देखाए ताहा कौन कहुए सहजीविता आउ यही प्रकार पोषण को कौन कहुए सहजीव्य पोषण है कौन जे कहीं कहार क्षति न करी परस्पर कौन जे सहयोग करके पोषण आदान प्रदान करते ठीक अच्छे। तो आशा करूँ समस्त को एक नंबर तीन नंबर पर्यंत सब जाक बुझा पड़ी जदि बुझा पड़ी तेज गोटे लाइक टे करदे आउ ये पीडीएफ को जदि पाइबा चाहूँ तेज ओडिया स्टडी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करदे वीडियो गोटे लाइक करके समस्त पाक सेयार करदे आज पे ये पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे धन्यवाद।